वर्ल्ड का नंबर वन बैट्समैन बन जाता। आज 70 से भी ज्यादा सेंचुरीज बन देगी और 150 मिलियन डॉलर के करीब नेटवर्थ। व्हाट डू यू थिंक, ये सब कैसे हो? ये बंदा इतना कंसिस्टेंट कैसे रह पाता है? क्या कोई एनर्जी ड्रिंक से या फिर कोई बैटरी बैकअप से? ना, बिल्कुल नहीं। ये बंदा रिचार्ज होता है अपनी गलतियों से, अपने हेटर्स की गालियों से। बिकॉज ही नो दैट इफ आई वांट टू बी विनर देन हसल लाइक एंड इफ यू वांट टू बिकम अ ग्रेट विनर देन ऑलवेज रिस्पेक्ट योर हेटर्स बिकॉज दे आर योर रिचार्जर्स। और जिस दिन से इनके रिचार्जर्स खत्म, उस दिन से इनकी तरक्की खत्म। क्योंकि विराट के साथ कई बंदों ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, लेकिन आज हुआ नहीं है जहाँ होना चाहिए। और सिक्का दोनों का होता है, हेड्स का भी और टेल्स का भी, लेकिन वक्त से उसी का आता है जो फलट कर ऊपर आता है, जिसमें चिकरा होता है फलट कर ऊपर आने का। बिकॉज प्रॉब्लम्स आर कॉमन बट एटीट्यूड मेक्स डिफरेंस। क्योंकि कुछ लोग हेटर्स को देख कर मेहनत करना बंद कर देते हैं, निराश होकर बैठ जाते हैं, और कुछ होते हैं पागल जिद्दी शिखर वाले जो अपने हेटर्स के दम पर हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं। बॉस हेटर्स को कड़वी दवा है जो दिमाग पर लगे तो चैन और दिल पर लगे तो सुकून बन जाते हैं। विराट कोहली, ये बंदा ना तो बॉर्न विद टैलेंट था और ना ही टैलेंट से विरासत मिला, फिर भी ये बंदा आज इतना सक्सेसफुल है। व्हाई? बिकॉज ऑफ हेटर्स, बिकॉज ऑफ क्रिटिसिज्म। क्योंकि जब कोई नॉर्मल बंदा नफरत के दौर से गुजरता है तो वो काम करना बंद कर देता है, लेकिन जब कोई नॉर्मल बंदा नफरत के दौर से गुजरता है तो वो दिन रात जी तोड़ मेहनत करता है। क्योंकि उसे पता होता है कि हेटर्स भी फैन हो जाते हैं जब बंदा परफॉर्मेंस कसम की करता है। और इसी परफॉर्मेंस से पहले बंदे को मेहनत की भट्टी से गुजरना पड़ता है, जी तोड़ मेहनत करना पड़ता है। बॉस हेटर्स तो मिलेंगे, कुछ करो तो भी या कुछ ना करो तो भी, लेकिन ये डिसाइड तुम्हें करना है कि हेटर्स से डील कैसे करना है, मैदान में मेहनत करके या फिर घर पर पड़े रह के। बॉस घुटने टेकने से हेटर्स कम नहीं हो जाते, बल्कि और बढ़ जाते हैं। उनके इरादे और मजबूत हो जाते हैं, लेकिन वो लेसेंट सी होते हैं जिनके हेटर्स भी फैन हो सकते हैं। विराट कोहली, जब भी ये बंदा अपने हेटर ने क्रिटिसिज्म के दौर से गुजरता है तो घर जाके रोने नहीं लगता, बल्कि अपने अंदर के जुनून, अपने अंदर के गुस्से, अपने अंदर के पागलपन को पसीने से बाहर निकालता है। क्योंकि हेटर्स भी हेट तभी करते हैं जब बंदा तरक्की पर तरक्की करता है। बॉस नेवर हेट योर हेटर्स, इंस्टेड रिस्पेक्ट देम बिकॉज दे आर द वंस हु थिंक्स दैट यू आर बेटर देन देम। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो पसंद आई है तो।